आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त करीब 870 करोड़ रुपीस का है एंड इस कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 97 रुपीस है इस वक्त। एंड ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है इस वक्त। कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 5.88 टाइम्स है, यानी कि कंपनी का शेयर इस वक्त अपने अर्निंग्स के 5.88 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी लो है। एंड कंपनी का पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट में हमें 68% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ग्रोथ काफी बेहतरीन आ रही है एंड कंपनी का शेयर भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड भी है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी का नाम है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी की एंड जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है क्या लॉन्ग टर्म में। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। पहला तो कंपनी का इंट्रोडक्शन, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट लाइन क्या है। उसके बाद हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम नंबर्स को समझेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का नंबर्स क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए एक बहुत फायदेमंद वाला वीडियो हो सकता है ये वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कंपनी का 4 मेन प्रोडक्ट है। पहला है लीनियर एल्कलिन बेंजेन, दूसरा है कॉस्टिक सोडा, तीसरा है क्लोरीन एंड चौथा है प्रोपलिन ऑक्साइड। तो लीनियर एल्कलिन बेंजीन, जिसको कि शॉर्ट में हम लैब बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट में यूज होता है, क्लींजिंग प्रोडक्ट में एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज किया जाता है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई क्लींजिंग प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं अपने घर को साफ सुथरे रखने में एंड हर एक क्लींजिंग प्रोडक्ट में इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त डिटर्जेंट का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा लोगों का इनकम बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है तो लोग अपने को खुद को साफ सुथरा रखने में बिलीव करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वहाँ पे भी उनका जो कपड़े धोने का साइकिल है वो बढ़ जाता है। तो पूरे दुनिया में एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। इंडिया, चाइना एंड मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया जाता है। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज ए सप्लायर पूरे वर्ल्ड के लिए। सेकेंड आता है कॉस्टिक सोडा, जो कि कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, जैसा कि टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, सोप हो गया, अल्मोनियम हो गया या तो फिर डिटर्जेंट हो गया। तो कई सारे इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल कॉस्टिक सोडा को यूज़ किया जाता है एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईयर आफ्टर ईयर कॉस्टिक सोडा का डिमांड इंडिया में 5% से ग्रो करेगा। उसके बाद आता है क्लोरीन, जो कि एक को प्रोडक्ट है कॉस्टिक सोडा का, जिसको कि वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, विनाइल क्लोराइड सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन भी कई सारे प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल है। एंड उसके बाद आता है प्रोपलिन ऑक्साइड, जो कि अगेन फीड स्टॉक है, यानी कि बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए ये एक टाइप का रॉ मटेरियल होता है, जैसा कि ग्लाइकोल हो गया या तो पॉलियोज हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। एंड इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। तो अब हम यहाँ पे वीडियो का सेकेंड पार्ट को कवर कर लेते हैं, जो कि इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इस वक्त इंडिया में लीनियर एल्कलिन बेंजीन के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि चाइना जैसे कंट्रीज इंडिया में आके सस्ते में अपना माल को ना फैला दें। एंड गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि डोमेस्टिक प्लेयर्स अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकें। बट एट प्रेजेंट कॉस्टिक सोडा के लाइन पर इंडिया में कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, बट एल्कलिन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि कॉस्टिक सोडा के लिए भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू किया जाए, ताकि डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छे से बिजनेस को कर सकें। तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी देखने को मिले कॉस्टिक सोडा के लाइन में भी, उसके वजह से तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट का अच्छा ग्रोथ होगा बिजनेस के अंदर।
एंड कंपनी का इस वक्त प्लान है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 65% से इंक्रीज करना कॉस्टिक सोडा का। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न वाला चीज़ है कंपनी के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि लीनियर एल्कलाइन बेंजीन के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, बट वो सारे कंट्रीज के ऊपर लागू नहीं किया गया है। एंड सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री आ रहा है इसका प्रोडक्शन के लिए, लैब के प्रोडक्शन के लिए। एंड वहाँ पर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो इंडिया में अपना माल को सस्ते दाम में बेचे, तो हो सकता है तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स अपना प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज करना चाहती है। कंपनी का प्लान है अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले ताकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाए एंड कंपनी फॉरेन प्लेयर से भी कम्पीट कर सके। तो कंपनी का प्लान है करीब करीब 435 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में, बट कंपनी भी अपने स्ट्रेटेजी के साथ आ रही है ताकि वो अपने कंपिटिटर से कम्पीट कर सकें। एंड अब हम इस वीडियो का थर्ड पार्ट को कवर कर लेते हैं जो कि है नंबर्स का एनालिसिस करना। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी का सेल्स के साथ। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स के अंदर कितना बेहतरीन ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है। एंड कंपनी का अगर सेल्स का FY21 वर्सेस 22 करोगे तो वहाँ पे आपको 57.72% का ग्रोथ देखने को मिलेगा पिछले एक साल के अंदर अंदर, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। एंड कंपनी का 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 15.22% का एवरेज ग्रोथ है। एंड बात कर लोगे अगर प्रॉफिट का तो प्रॉफिट के अंदर कितना बेहतरीन ग्रोथ है आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। यहाँ पे आप देखिए FY21 वर्सेस 22 करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 38.88% का ग्रोथ है पिछले एक साल के अंदर। एंड कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ अगर पकड़ोगे तो 68.19% का एवरेज ग्रोथ हमें देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कंपनी का FY21 वर्सेस 22 के सेल्स में 57% का ग्रोथ है जबकि प्रॉफिट के अंदर 38% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट आया है एंड इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 2017 में देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1.46% था, जो कि बढ़ के हो गया था 11% ईयर 21 में। उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया है जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी, तो अभी गिर के वो 9.68% में आ गया है। बट फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे पिछले 5 साल में कंपेयर करोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काफ़ी बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी का। एंड अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर सेल्स के अंदर। तो कंपनी क्वार्टर सेल्स काफ़ी स्टेबल है एंड जून क्वार्टर के सेल्स में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एंड बात करोगे क्वार्टर प्रॉफिट का तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जरूर गिरावट आया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो आप देख सकते हैं जून 2021 का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 12% का था। अगर आप पहला बार देखोगे ग्राफ का तो जून 2021 है जो कि 12.12% है, तो 12.12% से गिर के 5.21% में आ गया है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। एंड ये फॉल का रीज़न क्या है? तो बेसिकली देखो कंपनी का क्या कहना है, कंपनी अपने लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में जबकि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था उसके वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइप के रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फैक्ट्रीज को रन करने के लिए भी वहाँ पे भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गया था एंड उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अब क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो गिरने लगा है फिर से, तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगेगा ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वापस से बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा आने वाले 2-3 क्वार्टर में। एंड जैसे जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वापस बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा होने लगेगा। तो ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम था जो कि ऑलरेडी सॉल्व होने लगा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हो कि कंपनी का रिजर्व अच्छा है एंड कंपनी का रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड दूसरा अगर आप कंपनी का बोरिंग्स को देखोगे तो
कंपनी का बोरोइंग्स में अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमें नज़र आया है। आप देख सकते हैं पिछले 5-6 साल में कंपनी का बोरोइंग्स हाफ हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है। कंपनी का जैसे जैसे बोरोइंग्स कम हो जाएगा उसी प्रकार कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम हो जाएगा एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी साफ सुथरा है एंड कंपनी का कैश फ्लो भी देखोगे तो अच्छा है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा रहा है हमेशा से, काफ़ी स्टेबल है एंड पॉजिटिव भी है वो, तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 35% में है, DIs का होल्डिंग 10% में है, पब्लिक होल्डिंग 56% में है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा सा कम है, मुझे लगता है वो अगर 50% से ऊपर होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता। अब हम यहाँ पे रेशियोज की बात कर लेते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.68% में है, बट क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा ये गिर चुका है, 5% के आसपास आ चुका है, बट हो सकता है आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर अंदर हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वापस से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगा है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 33.7% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, तो कंपनी का कैपिटल यूटिलाइजेशन काफ़ी इंप्रेसिव है 33.7% में। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 83.2 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.16 है, तो कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो 97 है, तो यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है कंपनी का बुक वैल्यू को देख के। एंड दूसरा, अगर कंपनी का पी रेशियो भी देखोगे तो कंपनी का पी रेशियो 4.96 में है, इंडस्ट्री एवरेज 22.9 है, कंपनी का मीडियन 5.5 है, तो कंपनी अपने मीडियन से इस वक्त 2 में ट्रेड हो रही है। कंपनी का इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी डाउन है कंपनी का पी रेशियो, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कंपनी इस वक्त ज़्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है, कंपनी के सेल्स के अंदर अच्छा ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है, कंपनी का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी कम हो रहा है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो डाउन साइड मुझे नहीं लगता है कि कंपनी ज़्यादा नीचे जा सकता है, बट अप साइड मुझे लगता है कि अच्छा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रो करने के लिए। प्रमोटर होल्डिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 41.7% में है, यानी कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा साउंड है। एंड थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे आपको कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरह से एक अच्छे प्राइस लेवल पे इस वक्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ग्राफ है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे हाई बनाया था 151 रुपीज़ में, एंड उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया है इस लेवल से। यहाँ से अगर आप देखोगे इस वक्त कंपनी जहाँ पे है अराउंड 97, तो यहाँ पे करीब 36% का यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल आ चुका है इस कंपनी के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस शेयर के अंदर इस वक्त एंटर करना। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेड लाइन बनाया हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मुझे लगता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा इस लेवल पे, जो कि है 91-92 लेवल पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 91-92 लेवल इस कंपनी के लिए एक बॉटम है एंड कंपनी का प्राइस इस वक्त 97 पे है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है मेरे ख्याल से इस कंपनी के अंदर इस वक्त। दूसरा, क्रूड ऑयल तो एनीवेज गिर ही रहा है तो पॉजिटिव तो होगा ही, आने वाले टाइम में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, अगर आप कंपनी का EPS देखोगे मार्च 2017 में तो कंपनी का EPS था 1.49 एंड कंपनी का EPS मार्च 2022 में था 19.49, ठीक है। तो अगर कंपनी का एवरेज ग्रोथ देखोगे कंपनी का EPS के अंदर, तो आपको करीब 67% का एवरेज ग्रोथ मिलेगा कंपनी का EPS का। एंड अगर आप कंपनी का EPS ग्रोथ को कंपेयर करोगे कंपनी का शेयर प्राइस का ग्रोथ के साथ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च 2017 में कंपनी का शेयर प्राइस करीब 29 रुपीज़ का था एंड आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 97 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ देखोगे तो आपको 27% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का EPS में 67% का एवरेज ग्रोथ आया है, जबकि कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर सिर्फ 27% का एवरेज ग्रोथ आया है पिछले 5 साल के पीरियड में। तो यहाँ पे क्लियरली
बहुत सारा ग्रोथ कंपनी के अंदर इस वक्त आना बाकी है, क्योंकि कंपनी का ईपीएस तेजी से बढ़ रहा है, बट सेम तेजी से कंपनी का शेयर प्राइस इस वक्त नहीं बढ़ा है, जो कि एक टाइप से बढ़ना चाहिए। तो मेरे राय में ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बहुत सारा ग्रोथ इस वक्त आना बाकी है। तो मैं एक बार आपको ये कंपनी screener.com में भी खुल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 97 का है, कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 872 करोड़ का है, कंपनी का पी रेशियो 5.88 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.1 है, यानी कि कंपनी अपनी इंडस्ट्री के बिलो ट्रेड हो रही है। कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 का है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस 97 का है। तो कंपनी यहाँ पे क्लियरली ओवर वैल्यूड नहीं है बुक वैल्यू के हिसाब से भी। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं 33.7 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी अपने कैपिटल को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करने लग रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हमें नेगेटिव इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। एंड दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर हमें 556 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है, 29 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.2 का है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है। एंड जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा, कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ हमें नज़र आएगा। एंड कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में किस तरह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, किस तरह से कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट को देखोगे तो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। तो ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 1.49 से 16.5 तक चला गया है पिछले 5 साल या 6 साल के अंदर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है इस कंपनी के अंदर। इन सबसे बड़ी बात, ये कंपनी इस वक्त ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी एक टाइप से बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड नहीं है। इन कंपनी का बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं ज़्यादा लोन नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं, 56 करोड़ का लोन है, ज़्यादा लोन तो नहीं है वो। एंड कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है। तो मेरे राय में आपको इस कंपनी के अंदर अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म में। बट ध्यान रखें, मेरी बात सुनकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ना लें, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छी लगे, तब भी इन्वेस्टमेंट करें, या तो बिल्कुल भी ना करें, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, हो सकता है आप अपना पूरा पैसा या तो पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लूज कर दें। तो स्टॉक मार्केट में आप हमेशा वही पैसा को इन्वेस्टमेंट करें जो कि अगले 5 या 10 साल के अंदर आपको विड्रॉ करना ना पड़े, उसका कोई यूज़ ना हो, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, अदरवाइज ना डालें। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड बेल आइकन को कृपा करके दबा देना। तो अगले हफ्ता फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंपनी के साथ। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय।